तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है हम लोग जो है ना नूडल्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमने इतना पतीली में पानी गरम करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पानी अभी गरम हो गया है। अभी हम इसमें जो है अपने नूडल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे खुले नूडल्स लिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे पकते हैं। आप कोई से भी ले सकते हैं। हमने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। तो गाइस ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। तो गाइस अभी यहाँ पे जो है, आपने अगर इनको ज़्यादा लंबा करना है तो आपने इनको तोड़ना नहीं है, इसमें ऐसे क्रश नहीं करना। और अगर आपको जो है छोटे नूडल्स नहीं है तो इनको ऐसे ही यूं करके क्रश कर दें। मैं अभी जो है फ़िलहाल लंबे नूडल्स खाता हूँ तो जो है हम इनको क्रश नहीं करेंगे। तो गाइस अभी हम इसके अंदर जो है ना ये अपनी चिली सॉस डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से मतलब डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पकाने हैं तो जो है ज़्यादा डालें। मैं जो भी स्पाइसी पकाने हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा डालूँगा। बस फिर हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, सोया सॉस आपने कम डालनी है वरना फिर ये आपके नूडल्स कड़वे हो जाएंगे। बस आपने इनको अच्छे से हिला लेना है। अब हम इसके अंदर अपना विनेगर ऐड करेंगे। फिर गाइस हम इसके अंदर ये हमारा पिसा हुआ गरम मसाला है को थोड़ा सा लेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मतलब तकरीबन आप एक गिलास या आधा गिलास डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये बेक पाउडर का जो है पास्ता का जो है वो मसाला पड़ा था। आपके पास अगर हो या ना भी हो आप डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने इसे लो फ्लेम पे छोड़ देना है और जो है तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। फिर गाइस ये जो है मुझे इनके साथ जो है ये नूडल्स का मसाला मिला था टेस्ट में कर, ये आधा पाव मैगी के लिए है। ये ऐसे भी खोल के डाल देते हैं। तो गाइस अभी हम इसके अंदर अभी अपना टेस्ट में ऐड करेंगे। गाइस आइए अभी इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह गाइस, ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। आप भी मेरी रेसिपी से ऐसे ही बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। बस आपने जो है ना मेजरमेंट्स को फॉलो कर लेना है कि सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालनी, चिली सॉस अगर आप जो है मिर्चों की बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डालेंगे, अगर आप स्पाइसी नहीं बना रहे तो आप कम डालेंगे। बस दीजिए अपने भाई को इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।